दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप लोग अपने स्मार्टफोन से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आज मैं एक ऐसी कमाल की वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर जैसा मज़ा मिलने वाला है। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर देना है ताकि फ्यूचर में आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। इससे पहले भी जो है मैंने कमाल की एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बनाई थी, जो कि बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। आपने अगर वो यूज़ करनी है, कुछ उससे हेल्प लेनी है, तो ऊपर जो है आपको आई बटन में मिल जाएगी। ओके, तो बात करते हैं VN एडिटर की। आपने प्ले स्टोर में टाइप कर देना है VN और SC एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन के आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, रेट इसके देख सकते हैं, 10 मिलियन प्लस इससे डाउनलोडेड है। नीचे आप इसके स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ओके, तो आप इसके स्क्रीनशॉट थंबनेल वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने ये एप्लीकेशन पहले डाउनलोड की हुई है, मैं इसे ओपन करता हूँ। अगर आप जो है इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगे तो आपको जो है फर्स्ट में ये हम पर एड देखने को मिलेगा, जिसे आपने स्किप कर देना है। ऊपर से स्किप करेंगे तो इसका जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर आपको जो है सेटिंग का ऑप्शन, नोटिफिकेशन और QR कोड का मिलता है। नीचे आपको ट्यूटोरियल, टेम्पलेट्स, फिल्टर, म्यूजिक, साउंड, फॉन्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। नीचे आपको जो है होम का बटन मिल जाता है, और जो है और आपको जो है प्लस यानी प्लस का बटन बना हुआ है एड। यहाँ पर आप अपनी फाइल एड कर सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं। तो मैं एड के बटन पर क्लिक करता हूँ, और तो आपके सामने जो है इस तरह से न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। और स्टोरी बनाना चाहते हैं आप या टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं, और नीचे जो प्रोजेक्ट आपको ज़ीरो इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने अभी इस एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है आपको ज़ीरो दिखाया। अगर आप काम करते रहेंगे तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो आप जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आपसे कोई भी जो भी वीडियो एडिट करना है उस पर क्लिक करके और एरो के निशान पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप इसका बहुत ही कमाल का इंटरनल फेस है, जिस तरह से जो है आप कंप्यूटर में एडिटिंग कर रहे हैं ऐसा आपको जो है मज़ा इस एप्लीकेशन में मिलता है। इसमें जो है हर चीज़ की टाइमलाइन अलग अलग दी हुई है, जैसे आइडियो की अलग दी हुई है, टेक्स्ट की अलग दी हुई है आपको, और फोटोज़ की अलग दी हुई है, वीडियोज़ की अलग दी हुई है। उसके बाद बात करते हैं, नीचे जो है साउंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आप अपनी वीडियो का यहाँ से साउंड भी जो है म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। तो बात करते हैं ऊपर जो है आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, अनडू और रीडू के मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है आगे करने का बटन मिलता है, और प्ले का बटन भी मिलता है, और जो है आपको पीछे भी जाने का बटन मिलता है। बात करते हैं ऊपर आपको जो है एक्सपोर्ट और सेव का ऑप्शन मिलता है, और लेफ़्ट साइड पे ऊपर आपको जो है बाहर जाने का ऑप्शन मिलता है यानी। और यहाँ पर ओरिजिनल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो फ्रेम रेशियो वीडियो का मिलता है वो आप किस फ्रेम में चूज़ करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पर जो है राउंड, इसमें नई बात दी हुई है कि राउंड भी आप अपनी वीडियो में जो है फ्रेम एड कर सकते हो। तो मैं अभी जो है ओरिजिनल पर रखता हूँ। ओके, तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा था। उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं नीचे टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट्स वो है कि आपको यहाँ पर जो है फ्री में टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिसे डाउनलोड करना चाहे उस पर क्लिक कर दें और डाउनलोड होके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये किया तो ये पहले से डाउनलोड है, इसलिए जो नीचे मुझे यूज़ टेम्पलेट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो इस तरह से देखिए ये इफ़ेक्ट्स आपकी वीडियो में लगते जाएंगे अगर आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। तो बैक जाते हैं और ये आपने सारे को चेक कर लेना है फिर बैक। और यहाँ पर फ़िल्टर की मैं बात कर लेता हूँ, तो फ़िल्टर पर आने के बाद यहाँ पर भी आपको जो है डिफरेंट कैटेगरी के आपको जो है फ़िल्टर मिल जाते हैं, जो आप चाहें जिस हिसाब की आपकी वीडियो हो उस हिसाब से आपने जो है इन फ़िल्टर को यूज़ कर लेना है। जिस पर भी क्लिक करेंगे नीचे आप उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और नीचे आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ है टिक का, क्रॉस का, और जो है अप्लाई टू ऑल, यानी आप अगर आपकी जो है वीडियो पार्ट में है तो आप उसे अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं, यानी सारी वीडियो पर लग जाएगा। ओके, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। और भी जो है इसमें आगे आपको मिल जाते हैं एड, आप इसमें इफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है फिल्म के हवाले से मिल जाते हैं, मूड के, सीज़न के, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, अब जो इसमें दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है तो वो कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं, एडजस्ट की। ओके, एडजस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है जैसे आप आईफोन में जो है वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, ये ज़्यादातर जो ऐसे फंक्शन जो आपको आईफोन में मिलते हैं, जिस तरह यहाँ पर देखें इस तरह के इफेक्ट आपको आईफोन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कंट्रास्ट जितना आप रखना चाहें ये सारा कुछ आपने यहाँ से
चेक कर लेना है बारी बारी, ओके। और नीचे भी आपको जो है टिक मार्क करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारी वीडियो पे आपके लिए ये ब्राइटनेस जो आप जो आपने की होगी वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में यहाँ पर नई बात ये देखने को मिलती है कि कर्व टाइप में आप जो है इसकी स्पीड बढ़ा या कम कर सकते हैं। ऊपर करते हैं तो आपकी स्पीड जो है ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की, और नीचे करते हैं तो आपकी वीडियो की स्पीड कम हो जाती है। प्ले करके देखते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही है और अब जो है नीचे की तरफ इसकी स्पीड जो है स्लो हो रही है। तो इस हिसाब से जो है आप कर्व यूज़ कर सकते हैं, ओके। रेगुलर पे देख सके यहाँ पर भी आप जो है इसे भी यूज़ करके आप अपनी वीडियो में स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ओके। यहाँ पर नीचे भी आपको जो अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ टिक कर दें, वो जो आप रखना चाहें वो आप कर सकते हैं, ओके। उसके बाद जो है हमने स्पीड की बात की तो यहाँ से स्प्लिट करते हैं, कोई भी पार्ट जो है आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के बाद जो है आपने कोई भी पार्ट जो है उसको पकड़ के आगे या पीछे ड्रैग करना चाहते हैं तो उस पार्ट पर आपने होल्ड करना है, होल्ड करके जो आप जाम भी रखना चाहें उसे वहाँ पर ईजिली रख सकते हैं, ओके। तो यही है स्प्लिट, देखें इस तरह से जो है आपने रख देना है, जहाँ पर भी आप रखना चाहें उस पार्ट को आप रख सकते हैं, ओके। तो मैं पहले जैसे था वैसे ही रख देता हूँ। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा था कि आपने जो है स्प्लिट करके पार्ट को आगे पीछे कैसे मूव करा सकते हैं, ओके। तो इस हिसाब से आपने पार्ट को ड्रैग करना है और लेके जाना है, तो आप जो भी पार्ट स्प्लिट करोगे तो उस पर जो है प्लस का निशान बन जाता है। तो इस प्लस पर क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है नॉर्मा के बहुत ही बढ़िया इफेक्ट मिलते हैं, जैसे आपको वीडियो में देखें इस टाइप के आपको जो है यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये अपनी वीडियो में आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जो है आपको ड्यूरेशन मिलती है कि कितने ड्यूरेशन इसकी रखना चाहते हैं। दूसरा प्लस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको और मज़ीद मिल जाते हैं जिसे आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से जो है आपने देख लेना है, ये सारा कुछ देखिए, ये बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको मिलते हैं जिसे आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। ब्लर का है, पिक्सल लाइट का है, यहाँ पर बहुत है। नीचे भी आपको जो है ड्यूरेशन मिल जाती है जिसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ओके। तो ये सारा कुछ अब मैं वीडियो को जो है यहाँ से प्ले करके देखता हूँ, तो देखिए इस तरह से जो है आपके इफ़ेक्ट यूज़ होने लग जाए। यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ, चले यहाँ पर चेक कर लेना है आपने, जो आपको सही लगे वो आपने रख देना है, ओके। इस हिसाब से आपने रख देना। अब वीडियो को मैं प्ले करके देखता हूँ यहाँ से, तो देखिए इस तरह से जो आपके इफ़ेक्ट यहाँ पर लग चुके हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं ट्रिम टैब की। ट्रिम ज़्यादातर यूज़ होता है जो भी आप जो है रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बीच में जो आपको कोई कॉल आ गई, मैसेज आ गया, तो वो आप चेक करना चाहते हैं, तो उस पार्ट को जो है आप ट्रिम करना चाहते हो तो उतना आप यहाँ से कट कर सकते हैं, यानी उसे बाहर निकाल सकते हैं, ओके। इस हिसाब से देखिए जितने ड्यूरेशन का आपका 1 सेकेंड का हो, 2 सेकेंड तक या कितना भी पार्ट हो उसे आप ईजिली ट्रिम कर सकते हो, ओके। तो उसके बाद इफ़ेक्ट्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं इस तरह से, ओके। ये देखिए इस तरह से आपको जो इफ़ेक्ट यहाँ पर मिलते हैं और भी ज़्यादा हैं जो आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, ओके। और नीचे जो है प्ले का भी ऑप्शन आपको दिया है, अप्लाई टू ऑल का भी दिया है, जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ओके। तो वीडियो के टाइमलाइन में आप अगर आप जो है वीडियो पर क्लिक करते हो तो ऊपर भी जो है आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, इस ये भी आप हम देखेंगे। तो अभी जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी जो है आप इस वीडियो का जो है कम या ज़्यादा यहाँ से रख सकते हैं। नीचे आपको जो है फेड इन और फेड आउट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आपके जो वीडियो में आवाज़ है वो ऊपर से नीचे शुरू हो या नीचे से ऊपर तक शुरू हो, तो वो आपने यहाँ से करना है, ओके। तो ये करके और जो है आपने नीचे टिक कर देना है या अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारे पार्ट पर जो है ये अप्लाई हो जाएगा, ओके। आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से जो है काम करता है। उसके बाद BGM देख लेते हैं, वॉल्यूम यहाँ पर एक्टिव अभी नहीं है तो BGM भी आपने देख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वीडियो में आपने जो है बैकग्राउंड किस तरह से यूज़ करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो उससे पहले जो है आपने वीडियो का फ्रेम चेंज करना है, ओके। अगर आप ऐसे ही बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर कलर नहीं लगेंगे, उससे पहले जो है आपने इसका फ्रेम चूज़ करना है, ओके। फ्रेम चूज़ करेंगे तभी तो क्रॉप पर क्लिक कर दें और यहाँ पर कोई भी फ्रेम आप ले लें, जैसे यहाँ पर आप रोटेट भी इसे करवा सकते हैं, ओके, नीचे। और यहाँ पर कोई भी एक मैं इंस्टाग्राम का ये 1x1 का ले लेता हूँ,
ओके यहाँ पर टिक कर देता हूँ। अब जो है हमारा इस पर बैकग्राउंड जो कलर है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके यहाँ पर एरो के दो निशान बने हुए, इसके आपने पंच कर देना है। उसके बाद अब आपने जो भी यहाँ पर कलर रखना चाहें वो आप यहाँ से इजीली रख सकते हैं। ओके नीचे आपको ग्रेडियंट दिए हुए हैं, यानी मल्टी कलर्स भी आप जो है अपनी वीडियो में और बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। ओके नीचे आपको अप्लाई टू ऑल ऑप्शन दिया हुआ है, यानी सारे पार्ट पर यहाँ सिंपली टिक कर दें। ओके ये हमने देख लिया, क्रॉप भी देख लिया, और अब जो ऑप्शन आ जाता है हमारे पास मिरर का, यानी आप मिरर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में। देखिए इस तरह के इफ़ेक्ट फ्लिप भी करवा सकते हैं। उसके बाद जो है अब जो है यहाँ पर देख लेते हैं फ्रीज का बटन। ओके फ्रीज का बटन, अगर आप किसी भी पार्ट को जो फ्रीज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके और फ्रीज बटन पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर आपका जो है पार्ट फ्रीज हो गया। देखिए इस तरह से अब वो इस तरह से ये पार्ट फ्रीज हमने किया है, तो इस तरह से जो है आपने कर देना। उसके बाद अब बात करते हैं रिवर्स टैब की। ओके रिवर्स टैब, अगर आपने कोई भी जो है वीडियो अगर आपने स्ट्रेट मोड में बनाई है तो उसे ये कन्वर्ट करके तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी। और तो मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पार्ट पर रिवर्स मोड अप्लाई हो जाएगा। जूम की बात करते हैं तो यहाँ से अपने जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, इस तरह से जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मूव लेफ्ट राइट और अप डाउन, ये आपने सारा कुछ यहाँ से देख लेना है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड टैब यहाँ पर ज़्यादातर जो भी आप जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं फॉरवर्ड पर क्लिक कर दे तो उतना पार्ट जो है आपका फॉरवर्ड में आ जाएगा और आपको जो है अलग से फॉरवर्ड दिखाएगा, यानी आपकी ओरिजिनल वीडियो से फॉरवर्ड वाला पार्ट आपका पहले चरण होगा। यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले करके देखता हूँ, यहाँ पर पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए वो ऊपर वाला जो फॉरवर्ड हमने पार्ट किया था वो जो है पहले चल रहा है और जो ओरिजिनल है वो बाद में वो आगे चल रहा है, तो इस हिसाब से आपने देख सकते हैं। ओके तो यहाँ पर फॉरवर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर जो है कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है रिप्लेस, मोशन, की फ्रेम, कर्व, डुप्लीकेट और डिलीट के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं डुप्लीकेट। तो यहाँ पर आपको जो है नया ऑप्शन देखने को मिलता है वो है की फ्रेम। की फ्रेम की हम बात कर लेते हैं कि आपने की फ्रेम जो है किस तरह से यूज़ करना है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 8 हो गया की फ्रेम जो हमने फॉरवर्ड किया है। तो इसे पकड़ के ऊपर से आपने नीचे लेके आना है। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा मैं की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और पकड़ के वीडियो को यहाँ पर लेके गया, और जो है आगे एक तीसरा मैं की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और वीडियो को यहाँ से मूव करा के यहाँ पर रख दिया। अब जो है मैं वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखता हूँ और देखिए जो हमारा पार्ट है वो मूव हो रहा है। तो की फ्रेम का मतलब ये है कि किसी पार्ट को आप जो है मूव करवाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जो है आपने की फ्रेम को जो है कर्व में कैसे जो है यूज़ करना है तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर की फ्रेम के पास में कर्व के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपने जो भी पार्ट फॉरवर्ड किया होता उसको जो है आप कर्व मोड में भी जो है मूव करवा सकते हैं। इस हिसाब से आपने करवा के जो इस पर टिक कर देना है तो आपको लग गया है। उसके बाद ये सारे ऑप्शन हमने देख लिए। क्रोमा की बात करते हैं तो आप क्रोमा यानी बैकग्राउंड का कोई भी कलर हो उसे रिमूव करना चाहते हैं। जैसे हम वीडियो में सब्सक्राइब बटन वगैरह ऐड करते हैं तो उसका ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से कोई भी मैं एक सब्सक्राइब बटन वाली वीडियो यहाँ से ले लेता हूँ। ओके तो ये मैंने ले ली। अब जो है मैं इसका जो ग्रीन वाला बैकग्राउंड है वो रिमूव करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा वो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ नीचे और क्रोमा का ऑप्शन जो है एक्टिव हो चुका है इस पर जो है, और जो है इसको पकड़ कर मैं ग्रीन पर लेके गया और नीचे से मैंने टिक मार्क कर दिया। उसके बाद इसको पकड़ के बड़ा करते हैं और नीचे ये देखिए इस तरह से जो ग्रीन बैकग्राउंड था वो हट गया। यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए ये भी आप जो है सब्सक्राइब बटन जो भी आपका बैकग्राउंड ग्रीन हो वो आपने यहाँ से उसे हटा सकते हैं क्रोमा की मदद से। यहाँ पर ये सारे वाले ऑप्शन जो है हमने यूज़ करके देखे हैं एक एक करके, और अगर कोई बात रह रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका आपको आंसर दे सकूं। अब जो है आप अपनी फाइल को जो आपने वीडियो बनाई है उसे आप एक्सपोर्ट या सेव करना चाहते हो तो वो आपको ऊपर से सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सेव करेंगे तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट सेव होगा। अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके और जो है आपको ऊपर आपको राइट साइड में ऊपर जो है एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है उस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट की सेटिंग करनी पड़ेगी मैन्युअली, या ओरिजिनल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको जो है टिक मार्क का ऑप्शन दिया हुआ है वो आपने कर देना है यहाँ से, और आपकी जो है वीडियो एक्सपोर्ट होके आपके इंटरनल स्टोरेज या
मेमोरी कार्ड जो भी होगा उसमें आपकी आ जाएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं ऐसी और अगली वीडियो में।